हेलो दोस्तों, आज धनतेरस है और मैं घर जा रहा हूँ दिवाली को। तो घर वाले बोले घर आ जाओ, तो सही है, अभी तक जॉब नहीं लगी है मेरी। तो बीटेक के बाद रियल लाइफ यही होती भाई, कि अभी मैंने सामान भी पैक कर लिया है और ये रहा सामान। और यहाँ पे मैं सोता था, एक छोटा सा रूम है, लैपटॉप पे मैंने कुछ वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ, कुछ कोर्स हैं जिनको मैं सीखूंगा कुछ। तो अभी घर चलते हैं। और आप, एक और बात शेयर करनी थी आपसे कि आपने भी कभी सपना देखा होगा कि मम्मी डैडी को कुछ गिफ्ट करने के लिए। मैंने नियर अबाउट 1-1.5 साल पहले सोचा था कि अगले धनतेरस को मैं दीपावली को एक एमआई का टीवी घर पे दूंगा। मेरे घर टीवी बहुत ही बेकार है, बहुत पुराना टीवी है, तो पापा मेरे टीवी देखते हैं। मैंने सोचा था टीवी उनको दूंगा, लेकिन अभी भी इतना काबिल नहीं हुआ कि दे पाऊँ। बहुत बेकार लग रहा है, लेकिन घर जाने को मन नहीं कर रहा, लेकिन घर वालों के लिए जाना पड़ रहा है। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। अभी मैं घर जा रहा हूँ और होपफुली लौट कर आऊंगा। अब मुझे पता नहीं कब हम दिल्ली आऊंगा, कहाँ जाऊंगा, क्योंकि जॉब तो ढूंढना ही है, क्योंकि विदाउट जॉब सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। यूट्यूब पे बहुत कम व्यूज आते हैं। और रियल लाइफ भाई यही है कि आपको जिंदगी में सर्वाइव करना है, और ऊपर से जॉब की वैकेंसी इतनी कम आ रही है कि मैं देख रहा हूँ इतना मैंने कंपनी को अप्लाई किया फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो आई नो डेट व्हाट इज सिनेरियो ऑफ जॉब। तो शुरू करते हैं वीडियो को, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट में बताना। शुरू करते हैं, वीडियो लंबा बन रहा होगा थोड़ा सा, तो बोरिंग हो रहा होगा, तो भाई संभाल लेना। तो लेट्स स्टार्ट, मिलेंगे अब स्टेशन पे। अभी सामान इतना हो गया है कि हालत ख़राब होगी, वीडियो तो बहुत लग रहा है कमी बनेगा, ख़राब ही बनेगा बनेगा। तो अभी मेरे को जाना है आनंद विहार टर्मिनल, वहाँ से बस पकड़ेंगे गोरखपुर के लिए। अभी तो आज़ादपुर है, देखते हैं। खाना खाने के लिए रुके हैं, अब यहाँ से निकलेंगे, सुबह मिलते हैं, क्योंकि बहुत रात हो गई है, वीडियो अच्छा बनेगा नहीं, अपने पास अच्छा कैमरा नहीं है, तो सुबह शूट करेंगे। बस से जा रहे हैं भाई, क्योंकि ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसीलिए। तो मिलते हैं सुबह। अभी तो उतर गए हैं और घर आ चुके हैं, बस से आए, इतनी हालत ख़राब हुई है। नियर अबाउट 20 घंटे बस में थे, बहुत ही बेकार था सफ़र, और इतनी महंगी है क्या बताएं ऊपर से। तो अभी तो फिर वापस वहाँ से बस से चढ़े बैक टू बैक, बहुत लेट हो चुका है, जो सुबह 9 बजे आना चाहिए था मेरे को, अब शाम के 3 बज रहे हैं। कल धनतेरस था, आज हमारे यहाँ इसे छोटी दिवाली बोलते हैं, कल दीपावली है, और इतनी भीड़ थी भाई क्या बताएं। नोएडा में 4.5 घंटा फंसे हुए थे, और उसके बाद वहाँ से निकले तो आकर कानपुर के साइड में फंसे हुए थे, और 5-6 घंटे उधर ही लग गए, उसी वजह से ज़्यादा लेट हो गया। भीड़ तो मानो मत, ट्रेन में बैठने लायक नहीं था, इतनी ट्रेन में भीड़ थी मैं क्या बताओ, अंदर घुसने नहीं दे रहे थे। तो मैंने सोचा बस से जाना सही रहेगा, अब बस से जो हालत हुई वो जो कल सफ़र किया होगा उसे पता होगा। अभी देखो गांव पहुंच चुके हैं, अभी मैं पहुंच चुका घर, और बहुत ही प्रॉब्लम के बाद घर पहुंचा हूं। अभी सुबह भी हो चुकी है,
तो मैं शाम को पहुंचा था, बहुत थक गया था, 18-20 घंटे नियर अबाउट बस में बैठने के बाद हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बैठे बैठे। और सुबह सुबह मैं ये वाली बुक पढ़ रहा हूँ, ये देख सकते हो कहाँ से आएगा भाई, आजा यहीं पे। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले ये वाली बुक पढ़ रहा हूँ। वैसे मेरे पास बहुत सारी बुकें हैं, बहुत सारी हैं, एक दो बुकें मैंने पहले पढ़ चुकी हैं। तो भाई आज दीपावली है और दिवाली की हैप्पी शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे परिवार को। और वीडियो के ही समाप्त करता हूँ, शाम को शूट करेंगे दिवाली मेरे गांव में कैसे मनाई जाती है, तो उसका वीडियो कल आएगा आप लोग को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक स्टे फिट, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, रॉक करते रहो। और थोड़ा सा ये वीडियो उल्टा पुल्टा बन गया, बस मार लेना। बस मैं घर से वहाँ से निकल रहा था दिल्ली से, तो घर जाना था, थोड़ा सा दिमाग में कुछ था तो मैंने सोचा कि बोल दे, अब किससे बोले आप लोगों। तो मिलते हैं फिर।